माधवराज जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि एक साथ 5 फिल्में बनने जा रहे, जिसका शुभ मुहूर्त हुआ सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर तले। आप और प्रमोद प्रेमी जी दो दो हाथ एक करने वाले हैं, क्या कहना है, कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को? सबसे पहले आप देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और उम्मीद करूंगा कि सभी दर्शकों का आशीर्वाद प्यार दुलार हमारे बैनर को मिले। हम आप कुछ भी नहीं है, बैनर के अंदर में हम सभी एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं, इसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है जी। किस तरह का कौन सा रूप आपको नजर आएगा पांचों फिल्मों में? अगर अपना स्टार हीरो है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हीरोइज्म का तो गुंजाइश है नहीं, इसलिए वहाँ पे तो विलेन ही बनना पड़ेगा। तो क्या लगता है पांचों फिल्म में आपका विलेन का ही रोल होगा या पॉजिटिव भी होगा? अगर फिल्म पारिवारिक हुई तो बड़े भाई का भी हो सकता है, उस गांव में दुष्ट जो भी प्रवीण आदमी होगा वो भी मैं हो सकता हूँ, और अगर एक्शन मूवी हुई तो उसमें ऑफकोर्स विलन ही रहूँगा मैं। विलन का रोल करते हैं आपके जो फैन हैं या आपके चाहते हैं, किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं, क्या उनका रोल आता है? क्योंकि लगातार विलन का रोल देखा जाता है तो आपके जो चाहते होते हैं वो आक्रोश में भी होते हैं, कई जगह तो झगड़े भी हो गए। क्या लगता है इस बार जो आपका 5 फिल्म आ रहा है, किस तरीके से क्या कुछ नया होगा जो आपके दर्शक पसंद कर रहे हैं इसको? इसमें नया सबसे पहले तो ये है कि मेरा स्टार हीरो है तो उनके अपोजिट में आप कुछ भी कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली स्टार हो जाते हैं और दर्शक उसको स्वीकारेंगे भी। और ऑलरेडी हमने 3 फिल्मों में उनके अपोजिट विलेन का ही काम किया हुआ है, तो वो दर्शकों के लिए कम से कम नई चीज़ नहीं है। वो कौन 3 फिल्में हैं? वो 3 फिल्में हैं, प्रेम की सौगंध है, रूठ मेरे प्यार का है, और फिर अभी ये कर रहे हैं हम जो मैं ससुराल नहीं जाऊँगी जी, इसमें भी मेरा निगेटिव सेट ही है, बर्बाद बर्बाद है, बर्बाद करने वाले हैं, सुधर जाते हैं लेकिन ये मेरी साली को ले उड़ते हैं। कौन? प्रमोद जी वहाँ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, फैमिली फिल्म थी तो भी लेके निकल गए। प्रमोद जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर पर जो प्रमोद जी के साथ 5 फिल्में लॉन्च हो रही है सुरभि माधव एंटरटेनमेंट, उस बैनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर तो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस बार जो उस बैनर का भाग्य है उसमें प्रमोद जी का साथ है, और पहला इंसान मैंने देखा कि जिसने अपना नुकसान करके लोगों का भला करना चाहा, और प्रमोद जी ने मेरी चीज़ों को समझा और मेरी सिचुएशन को समझा, बहुत जगह पे मैं टूटा, बहुत जगह मुझे परेशान किया गया, चीज़ें किया गया, लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि चलिए मैं आपको साथ देता हूँ और इस बैनर को मैं खड़ा करता हूँ, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं 5 फिल्में आपके बैनर की करूँगा विदाउट कोई प्रॉब्लम। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत होती ही होती है, वो मुझे आज प्रमोद जी के रूप में एक भाई कह लीजिए, मेरा हीरो कह लीजिए, मेरा स्टार कह लीजिए, आज मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद की देन है कि मुझे ऐसा भाई मिला। और ये 5 फिल्मों के निर्देशक को कुछ घोषणा करना चाहिए? निर्देशन में अभी फिलहाल मैं सभी निर्देशक बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है उनको आना है, डायरेक्शन करना है, बाकी उनको कोई टेंशन नहीं करनी है, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस मेरे बैनर से प्रमोद जी को जितना मैं आगे ले जा सकूँ ये मेरा प्रयास होगा कि बड़ी से बड़ी फिल्में बनाऊँ, मुझे पैसे की जरा सा भी फिक्र नहीं है, पिक्चर को बनाने में जो रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्टर को दी जाएगी, जो भी स्टार कास्ट की जरूरत होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी, उनको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, नाम के लिए जो कि अमूमन डायरेक्टर लोग परेशान हो जाते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आए अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए और कहानी को करें, ये हमारा बैनर करेगा। और अभी एक छोटी सी बात ये गुड़िया बोली है कि अभी मुझे पता नहीं है, इनको करना पड़ेगा और डेट का इशू होगा भी तो रोक देंगे 5 दिन, लेकिन करना है इनको, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, आज मेरे साथ बैठी है, मंच पे है, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे बैनर में काम नहीं करेंगे? नहीं सर, तो ये वाकई में अच्छी बात है कि सर आप मेरे 5 दिन की वेट कर सकते। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है ना, हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेफरेंस हीरोइनों को दिया नहीं जाता कि ठीक है चलो इसका डेट नहीं किसी और को ले लो, लेकिन सर ने वाकई में एक बहुत बड़ी बात बोली और सर थैंक यू सो मच, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसे हर कोई सोचने लगा तो कहीं ना कहीं जो आज के वक्त में जो हीरोइनों को जो ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, जो सिंगर्स की कंप्लेन रहती है कि एज कम्पेयर टू हीरो को इतनी फैसिलिटी उतना नहीं मिल पाता, तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं अगर सर जैसे सपोर्टिव लोग रहे
तो हम भी उस लेवल पे पहुंच गए। ये बैनर ही महिला प्रधान है। सर चलते चलते बात करें, जो है आप जो फिल्मों की शूटिंग करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये देखिए मनोज वाजपेयी जैसा दिखते हैं, तो जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है कि मनोज वाजपेयी जैसे तुलना हो जाती है आपकी, क्या कहना चाहते हैं, लीजेंड एक्टर से तुलना होती है आपकी? तब पहले तो दिल से माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बेटा पैदा कर दिया उन लोगों ने, कि मनोज वाजपेयी जैसे लीजेंड एक्टर का परछाई मैं लगता हूँ। और अच्छी बात यह है कि उनके ही पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव रोल करते जा रहा हूँ। और इसमें एक चीज मैं फिर दिल से धन्यवाद करूंगा अपने हीरो प्रमोद प्रेमी जी का, विदाउट हिम मैं ये 5 फिल्मों का कॉन्सेप्ट पूरा कर ही नहीं सकता था, लेकिन जो उन्होंने सहयोग दिया है और जो मेरे ऊपर उन्होंने अपना प्यार दुलार बरसाया है, उसके लिए मैं प्रमोद जी का आजीवन रेडी रहूंगा। आज के समय में इतना बड़ा हीरो और इतना बड़ा दिल रखता हो, ऐसी उम्मीद मैं बहुत कम करता था। थैंक यू सो मच सर, ढेर सारी बधाई आपकी। माधवराज जी सबसे पहले आपको बधाई हो कि 1 साथ 5 फिल्में बनने जा रहे, जिसका शुभ मुहूर्त हुआ सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर तले, आप और प्रमोद प्रेमी जी दो दो हाथ एक करने वाले हैं, क्या कहना है, कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को? सबसे पहले आप देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और उम्मीद करूंगा कि सभी दर्शकों का आशीर्वाद प्यार दुलार हमारे बैनर को मिले। हम आप कुछ भी नहीं है, बैनर के अंदर में हम सभी एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं, इसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है जी। किस तरह के कौन सा रूप आपको नजर आएगा 5 फिल्मों में? अगर अपना स्टार हीरो है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हीरोइज्म का तो गुंजाइश है नहीं, इसलिए वहाँ पे तो विलन ही बनना पड़ेगा। तो क्या लगता है 5 फिल्म में आपका विलन का ही रोल होगा या पॉजिटिव भी होगा? अगर फिल्म पारिवारिक हुई तो बड़े भाई का भी हो सकता है, उस गाँव में दुष्ट जो भी प्रवीण आदमी होगा वो भी मैं हो सकता हूँ, और अगर एक्शन मूवी हुई तो उसमें ऑफकोर्स विलन ही रहूंगा मैं। विलन का रोल करते हैं आपके जो फैन हैं या आपके चाहते हैं, किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं, क्या उनका रोल आता है, क्योंकि लगातार विलन का रोल देखा जाता है तो आपके जो चाहते होते हैं वो आक्रोश में भी होते हैं, कई जगह तो झगड़े भी हो गए, क्या लगता है इस बार जो आपका 5 फिल्म आ रहा है किस तरीके से क्या कुछ नया होगा जो आपके दर्शक पसंद कर रहे हैं इसको? इसमें नया सबसे पहले तो ये है कि मेरा स्टार हीरो है तो उनके अपोजिट में आप कुछ भी कर लीजिए आप ऑटोमेटिकली स्टार हो जाते हैं और दर्शक उसको स्वीकारेंगे भी, और ऑलरेडी हमने 3 फिल्मों में उनके अपोजिट विलेन का ही काम किया हुआ है, तो वो दर्शकों के लिए कम से कम नई चीज नहीं है। वो कौन 3 फिल्में हैं? वो 3 फिल्में हैं, प्रेम की सौगंध है, रूप मेरे प्यार का है, और फिर अभी ये कर रहे हैं हम जो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जी, इसमें भी मेरा निगेटिव सेट ही है, बर्बाद बर्बाद है, बर्बाद करने वाले हैं, सुधर जाते हैं लेकिन ये मेरी साली बोले उड़ते हैं। कौन? प्रमोद जी वहाँ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, हेमली फिल्म थी तो भी लेके निकल गए। प्रमोद जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर पर जो प्रमोद जी के साथ 5 फिल्में लॉन्च हो रही है सुरभि माधव एंटरटेनमेंट, उस बैनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर तो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस बार जो उस बैनर का भाग्य है उसमें प्रमोद जी का साथ है, और पहला इंसान मैंने देखा कि जिसने अपना नुकसान करके लोगों का भला करना चाहा, और प्रमोद जी ने मेरी चीज़ों को समझा और मेरी सिचुएशन को समझा, मेरी चीज़ों को समझा, बहुत जगह पे मैं टूटा, बहुत जगह मुझे परेशान किया गया, चीज़ें किया गया, लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि चलिए मैं आपको साथ देता हूँ और इस बैनर को मैं खड़ा करता हूँ, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं 5 फिल्में आपके बैनर की करूंगा विदाउट कोई प्रॉब्लम। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत होती ही होती है, वो मुझे आज प्रमोद जी के रूप में एक भाई कह लीजिए, मेरा हीरो कह लीजिए, मेरा स्टार कह लीजिए, आज मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद की देन है कि मुझे ऐसा भाई मिला। और ये 5 फिल्मों के निर्देशक कुछ घोषणा करना चाहिए? निर्देशन में अभी फिलहाल मैं सभी निर्देशक बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है उनको आना है, डायरेक्शन करना है, बाकी उनको कोई टेंशन नहीं करनी है, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस मेरे बैनर से प्रमोद जी को जितना मैं आगे ले जा सकूँ ये मेरा प्रयास होगा कि बड़ी से बड़ी फिल्में बनाओ, मुझे पैसे की जरा सा भी फिक्र नहीं है, पिक्चर को बनाने में जो रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्टर को दी जाएगी, जो भी स्टार कास्ट की जरूरत होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी, उनको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, एक नाम के लिए जो कि अमूमन डायरेक्टर लोग परेशान हो जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आए अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए और कहानी को करें,
ये हमारा बैनर करेगा। और अभी एक छोटी सी बात गुड़िया बोली है कि अभी मुझे पता नहीं है, इनको करना पड़ेगा और डेट का इशू होगा भी तो रोक देंगे 5 दिन, लेकिन करना है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, आज मेरे साथ बैठी है, मंच पे है, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे बैनर में काम नहीं करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है ना, हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेफरेंस हीरोइनों को दिया नहीं जाता कि ठीक है चलो इसका डेट नहीं किसी और को ले लो। लेकिन सर ने वाकई में एक बहुत बड़ी बात बोली और सर थैंक यू सो मच। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसे हर कोई सोचने लगा तो कहीं ना कहीं जो आज के वक्त में जो हीरोइनों को जो ऐसे कंप्लेन्स आते हैं, जो सिंगर्स की कंप्लेन रहती है कि एज कम्पेयर टू हीरो को इतनी फैसिलिटी उतना नहीं मिल पाता, तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं अगर सर जैसे सपोर्टिव लोग रहे तो हम भी उस लेवल पर ये बैनर की महिला प्रधान है। सर चलते चलते बात करें, जो है आप जो फिल्मों की शूटिंग करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये देखिए मनोज बाजपेयी जैसा दिखते हैं, तो जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है कि मनोज बाजपेयी जैसे तुलना हो जाती है आपकी, क्या कहना चाहते हैं, लीजेंड एक्टर से तुलना होती है आपकी? पहले तो दिल से माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बेटा पैदा कर दिया उन लोगों ने, कि मनोज बाजपेयी जैसे लीजेंड एक्टर का परछाई मैं लगता हूँ। और अच्छी बात यह है कि उनके ही पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव रोल करते जा रहा हूँ। और इसमें एक चीज मैं फिर दिल से धन्यवाद करूंगा अपने हीरो प्रमोद प्रेमी जी का, विदाउट हिम मैं ये 5 फिल्मों का कॉन्सेप्ट पूरा कर ही नहीं सकता था। लेकिन जो उन्होंने सहयोग दिया है और जो मेरे ऊपर उन्होंने अपना प्यार दुलार बरसाया है, उसके लिए मैं प्रमोद जी का आजीवन रेडी रहूंगा। आज के समय में इतना बड़ा हीरो और इतना बड़ा दिल रखता हो, ऐसी उम्मीद मैं बहुत कम करता था। थैंक यू सो मच सर, ढेर सारी बधाई उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? सबसे पहले तमाम दर्शक भाई लोग टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज गोरखपुर में आप सबके बीच में और आपको फिल्म के सेट पर सब मुझे 5 मिनट नोट करी जाए। सुनी माधव एंटरटेनमेंट के बैनर तले जो डॉक्टर बी एम राय जी सर के सोजन से और साल को हम लोग 5 फिल्में बनाएंगे जिसमें बड़े लेवल पर काम और बड़े लेवल से हम लोग काम करते हैं। तो ये भैया विचार कैसे आया कि एक साथ 5 फिल्मों का मुहूर्त सुभी माधव एंटरटेनमेंट बैनर तले करना है? डॉक्टर साहब प्यार जी आपको ही करना है और साथ में 5 फिल्म करेंगे आपको ही लेकर करेंगे। बहुत बड़ी बात है एक साल में 5 फिल्मों का अपना जो न्यू है आप रख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी जाइए एक साल में। सब देखिए बड़े भैया डॉक्टर साहब हैं तो इनके देख रेख भी होगा, तो मैं तो इनके लिए तब जीवन खड़ा रहूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग फिल्म बनाएं। और अदर मार्केट का तो हम तो फिल्म कर ही रहे हैं, तो भैया के साथ थोड़ा करेंगे तो हम जो भी थोड़ा लेवल वाली फिल्म करें। किस तरीके की ये फिल्में होंगी 5 जो आप बनाएंगे एक साल में, और कहाँ पे इसकी शूटिंग होगी, क्या कुछ है? शूटिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसे कि उत्तर प्रदेश नेपाल में भी हो सकता है, जैसा जिस फिल्म का सिचुएशन कहानी रहेगा उस हिसाब से लोकेशन लोग। उत्तर प्रदेश में आप शूटिंग कर रहे हैं, गोरखपुर भी जो कि आता है, गोरखपुर में तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्या आपकी फिल्में गोरखपुर में शूटिंग होती है? या मैं तो यहाँ 8-10 फिल्में मैं गोरखपुर में शूटिंग किया हूँ और यहाँ सारी सुविधा मिल जाती है। जो बड़ी बात आप जो पाल में 5 फिल्में आप जो रिलीज करने वाले हैं या न्यू रख रहे हैं, वो क्या 5 फिल्मों की शूटिंग गोरखपुर में हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, 6 अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं ससुराल नहीं जाऊँगा, गोरखपुर में कर रहा हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं सर संतराम जी, इनके साथ सर के साथ पहली बार मैं काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या फिल्मों की किस तरह से कहानी होगी, जैसे कि पारिवारिक कहानी पर काम चल रहा है और कहानी की खोज शुरू हो गया है और जो भी फिल्म बनेगा पारिवारिक और पूरे समाज के देखेला की फिल्म बनाएगी। संदेश क्या दीजिएगा एक साल में 5 फिल्म जा रहे हैं, 5-5 किस्म के आपके जो भी फिल्म बनी, 5-5 किस्म के संदेश आपके पूरे समाज में अपनी के समर्पण कर। अब आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? चाहेंगे कि आप सब इसी तरह प्यार से बात बनाए रखें और पूरे टीम को जिसे सारे लोग हैं इस कंपनी में माने जा रहे हैं, चंदन बियाहुत जी हैं, गुड्डू यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, सब लोग साथ में पूरे टीम रहेगी मेरी और सारे टेक्नीशियन लोग सब लोग साथ में रहेंगे। संतराम जी आप क्या कहना चाहें, सुरभि माधव एंटरटेनमेंट 5 फिल्में एक साथ आज मुहूर्त किया जा रहा है?
बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य मुहूर्त होगा। अच्छे लोग और हमारे डॉक्टर साहब माधव जी, उन्होंने बोला मुझे कल कि हम 5 फिल्में कर रहे हैं, अभी प्रमोद जी हमेशा फिल्म में रहेंगी। मेरी भी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात, मतलब इतना खुशी हुआ। फिर हम बोले कि कल मुहूर्त भी है, आज मुहूर्त का टाइम रखा गया, हम लोग की ऑलरेडी शूटिंग चल रही है, तो बोले कि करते हैं जी। तो आप कितनी फिल्में डायरेक्ट करने वाले हैं? अब तो डॉक्टर माधव साहब बताएंगे, फिलहाल तो पहला फिल्म तो कर रहे हैं जी सर, तो और अलग 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 कॉन्सेप्ट जिसके पसंद आएंगे वो अपने करते रहेंगे। डॉक्टर साहब का वैसे भी शुरू से ही आदत रहा, कोई किसी को स्पेशली वो नहीं रखा। डॉक्टर साहब बात करें जैसे कि माधव राय जो एक भोजपुरी सिनेमा को उभरते हुए खलनायक हैं, उनका लुक बॉलीवुड के मनोज वाजपेयी जी से मेल खाता है, क्या कहना चाहेंगे वो उनका और प्रमोद प्रेम यादव जी का, किस तरह से फाइट होगा, किस तरह से एक दूसरे के द्वंद्व युद्ध मचाने वाले, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे एक्टर हो ही गए हैं, सर तो स्टार ही है, और दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरफ विलेन एक तरफ हीरो। पिक्चर जब हिट होना या फिर जो एंटरटेनमेंट होती है ना, जब विलेन पावरफुल हो या फिर हीरो जब टक्कर होती है, तब जाकर उस फिल्म में ग्राम पड़ता है, चाहे शोले फिल्म चाहे कोई उठाइए। तो इस तरह का है कि हाँ दोनों लोग अच्छे लगेंगे। सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको होम प्रोडक्शन है? बहुत अच्छा बैनर है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत सी फिल्में बन रही हैं, बन भी चुकी हैं, और उभरता हुआ अपना बैनर है, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे जाएगी बैनर। भैया आप क्या कहना चाहेंगे सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर के बारे में? एंटरटेनमेंट सुरभि माधव एंटरटेनमेंट से तो हमने को सदस्य बनी, और अपन घर के कंपनी में भैया के बी एम राय जी के, तो ये अपन घर के कंपनी और काजल जी भी एक कंपनी के सपोर्ट करब, काजल जी से आप सब कुछ बात करें, मतलब काजल जी भी घर के हैं। अच्छा जी जी, काजल जी क्या कहना? मेरा प्रणाम जी, मैं सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सर को और प्रमोद जी को भी, और एक साथ इतनी सारी 5 फिल्में ला रहे, और मुझे उम्मीद है ये जैसे कि हर फिल्म है अभी जो फिल्में मैं प्रमोद जी की देख रही हूँ बिफोर यू की थ्रू, इनकी जितनी भी फिल्म्स आई है बहुत ही साफ सुथरी है और बहुत अच्छे कॉन्टेंट पर फिल्म बनी है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये 5 फिल्में भी उसी तरह हो और लोगों को बहुत पसंद आए। तो आप कितनी फिल्मों में नजर आने वाली हैं? फिलहाल तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, और होपफुली अगर सारी चीजें मैच हुई डेट वगैरह तो हम जल्द करेंगे साथ काम। सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर कई फिल्में बना चुके हैं और अब एक साथ 5 फिल्म का अनाउंसमेंट, एक बड़ा धमाका, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा धमाका है ये, एक्चुअली एक फिल्म बनाने में लोगों की बहुत ही मतलब बोलते है ना कि एक बेटे की घर में शादी कराने जैसा हाल हो जाता है एक फिल्म बनाना, ये मैंने सुना था बहुत बड़े कलाकार से, लेकिन एक साथ 5 फिल्में बनाना ये बहुत ही बड़ा कदम उठाए हैं सर ने, और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि इतना अच्छा कदम उन्होंने भोजपुरी के लिए लिया है और वो उनका सक्सेसफुल हो ताकि आगे भी और फिल्में बनाए जी। आपका और प्रमोद प्रेमी जी केमिस्ट्री कैसी रह रही है? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हमेशा से, जैसे कि हमारी पहली फिल्म थी जमाई राजा, वो पहली फिल्म थी, उसके बाद हमारी तीसरी फिल्म है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, और काफी अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में, बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत जॉली नेचर है, और कभी ऐसा फील नहीं होता कि एक स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं और मुझसे ही नहीं बाकी सारे यूनिट से बहुत अच्छे से रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा सुपर स्टार एक फिल्म का स्टार जब इतना अच्छा डाउन टू होता है तो सारा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ रहता है सेट का। और ये जो खलनायक माधव राय जी हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी इनके बारे में मैं यही कहूंगी, इनको बहुत सारी गुड विशेस दूंगी मैं, सर का लुक और सर की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, और मैं यही चाहूंगी सर और अच्छा अच्छा फिल्म करे और अच्छे सारे कॉन्सेप्ट लाए जी। थैंक यू सो मच। उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? सबसे पहले तमाम दर्शक भाई लोग टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज गोरखपुर में आप सबके बीच में और आपको फिल्म के सेट पर सब मुझे 5 मिनट नोट करी जा सुरभि माधव एंटरटेनमेंट के बैनर तले जो डॉक्टर बी एम राय जी हैं सर के स्वजन से, और साल को हम लोग 5 फिल्में बनाएंगे जिसमें बड़े लेवल से काम, बड़े लेवल से हम लोग काम करें।
तो ये भैया विचार कैसे आया कि एक साथ पांच फिल्मों का मुहूर्त सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर तरह करना है? डॉक्टर साहब प्यार जी तो जी आपको ही करना है और साथ में पांच फिल्म करेंगे आपको ही लेकर करेंगे। बहुत बड़ी बात है एक साल में पांच फिल्मों का अपना जो न्यू है आप रख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी दी जाइए एक साल में। सब देखिए बड़े भैया डॉक्टर साहब हैं तो इनके देख रेख भी होगा तो मैं तो इनके लिए तब जीवन खड़ा रहूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग फिल्म बनाए और अदर मार्केट का तो हम तो फिल्म कर ही रहे हैं तो भैया के साथ थोड़ा हम करेंगे तो हम जो भी थोड़ा लेवल वाली फिल्म करें। किस तरीके की ये फिल्में होंगी पाँच जो आप बनाएंगे इस साल में और कहाँ पे इसकी शूटिंग होगी, क्या कुछ है? शूटिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही होगा, ऐसे कि उत्तर प्रदेश नेपाल में भी हो सकता है, जैसा जिस फिल्म का सिचुएशन कहानी रहेगा उस हिसाब से लोकेशन लोग। उत्तर प्रदेश में आप शूटिंग कर रहे हैं, गोरखपुर भी जो कि आता है, गोरखपुर में तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्या आपकी फिल्में गोरखपुर में शूटिंग होती है? या मैं तो यहाँ 8-10 फिल्में मैं गोरखपुर में शूटिंग किया हूँ और यहाँ सारी सुविधा मिल जाती है। जो बड़ी बात आप जो पाल में पांच फिल्में आप जो रिलीज करने वाले हैं या न्यू रख रहे हैं वो क्या पांच फिल्मों की शूटिंग गोरखपुर में हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, 6 अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं ससुराल नहीं जाऊँगा, गोरखपुर में कर रहा हूँ जिसके डायरेक्टर हैं सर संतराम जी, इनके साथ सर के साथ पहली बार मैं काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या फिल्मों की किस तरह से कहानी होगी, जैसे कि पारिवारिक कहानी पर काम चल रहा है और कहानी की खोज शुरू हो गया है और जो भी फिल्म बनेगा पारिवारिक और पूरे समाज के देखे लायक फिल्म बनाएगी। संदेश क्या दीजिएगा एक साल में पांच आ रहे हैं, पांचों पांच किस्म के आपके जो भी फिल्म बनी पांचों पांच किस्म के संदेश आपके पूरे समाज में समर्पण कर। अब आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? चाहेंगे कि आप सब इसी तरह प्यार से बात बनाए रखें और पूरे टीम को जिसे सारे लोग हैं इस कंपनी में माने जा रहे हैं, चंदन बियाहुत जी हैं, गुड्डू यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, सब लोग साथ में पूरे टीम रहेगी मेरी और सारे टेक्नीशियन लोग सब लोग साथ में रहेंगे। संतराम जी आप क्या कहना चाहें? सुरभि माधव एंटरटेनमेंट पांच फिल्में एक साथ आज मुहूर्त किया जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य मुहूर्त होगा और अच्छे लोग और हमारे डॉक्टर साहब माधव जी उन्होंने बोला मुझे कल कि हम पांच फिल्में कर रहे हैं, अभी प्रमोद जी हमेशा फिल्मों में रहेंगे, मेरी भी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात, मतलब इतना खुशी हुआ। फिर बोले कि कल मुहूर्त भी है, आज मुहूर्त का टाइम रखा गया, उनकी ऑलरेडी शूटिंग चल रही है, तो बोले कि करते हैं जी। तो आप कितनी फिल्में डायरेक्ट करने वाले हैं? अब तो डॉक्टर माधव साहब बताएंगे, फिलहाल तो पहला फिल्म तो कर रहे हैं जी सर, तो और अलग 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 कॉन्सेप्ट जिसके पसंद आएंगे वो हमने करते रहेंगे। डॉक्टर साहब को वैसे भी शुरू से ही आदत रहा, कोई किसी को स्पेशली वो नहीं रखा। डॉक्टर साहब बात करें जैसे कि माधव राय जो एक भोजपुरी सिनेमा को उभरते हुए खलनायक हैं, उनका लुक बॉलीवुड के मनोज बाजपेयी जी से मेल खाता है, क्या कहना चाहेंगे वो उनका और प्रमोद प्रेम यादव जी का किस तरह से फाइट होगा, किस तरह से एक दूसरे के द्वंद्व युद्ध मचाने वाले, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे एक्टर हो ही गए, सर तो स्टार ही है और दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि एक तरफ विलेन एक तरफ हीरो, पिक्चर जब हिट होना या फिर जो एंटरटेनमेंट होती है ना जब विलेन पावरफुल हो या फिर हीरो जब पक्का होती है तब जाकर उस फिल्म में ग्राम पड़ता है, चाहे शोले फिल्म चाहे कोई उठाइए, तो इस तरह का है कि हाँ दोनों लोग अच्छे लगेंगे। सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उनका होम प्रोडक्शन है? बहुत अच्छा बैनर है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत सी फिल्में बन रही हैं, बन ही चुकी हैं और उभरता हुआ अपना बैनर है और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे जाएगी बैनर। भैया आप क्या कहना चाहेंगे सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर के बारे में? एंटरटेनमेंट सुरभि माधव एंटरटेनमेंट से तो हमें को सदस्य बनी और अपन घर के कंपनी में भैया के पी एम राय जी के तो ये अपन घर की कंपनी पर और काजल जी भी एक कंपनी के सपोर्ट कर, काजल जी से आप सब कुछ बात करें, मतलब काजल जी भी घर की हैं। अच्छा जी 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 काजल जी क्या कहना? मेरा प्रणाम जी, मैं सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सर को और प्रमोद जी को भी और एक साथ इतनी सारी पांच फिल्में ला रहे और मुझे उम्मीद है ये जैसे कि हर फिल्म है अभी जो फिल्में मैं प्रमोद जी की देख रही हूँ बिफोर यू की थ्रू इनकी जितनी भी फिल्म आई है बहुत ही साफ सुथरी है और बहुत अच्छे कॉन्टेंट पर फिल्म बनी है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये पाँच फिल्में भी उसी तरह हो और लोगों को बहुत पसंद आए। ठीक
तो आप कितनी फिल्मों में नजर आने वाली हैं? फिलहाल तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है और होपफुली अगर सारी चीजें मैच हुई डेट वगैरह तो हम जल्द करेंगे साथ काम। सुरभि माधव एंटरटेनमेंट बैनर कई फिल्में बना चुके हैं और अब एक साथ पांच फिल्म का अनाउंसमेंट, एक बड़ा धमाका, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा धमाका है ये। एक्चुअली एक फिल्म बनाने में लोगों की बहुत ही मतलब बोलते है ना कि एक बेटे की घर में शादी कराने जैसा हाल हो जाता है एक फिल्म बनाना, ये मैंने सुना था बहुत बड़े कलाकार से। लेकिन एक साथ पांच फिल्में बनाना ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है सर ने और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि इतना अच्छा कदम उन्होंने भोजपुरी के लिए लिया है और वो उनका सक्सेसफुल हो ताकि आगे भी और फिल्में बनाएं। ठीक जी, आपका और प्रमोद प्रेमी जी केमिस्ट्री कैसी रह रही है? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हमेशा से। जैसे कि हमारी पहली फिल्म थी जमाई राजा, वो पहली फिल्म थी, उसके बाद हमारी तीसरी फिल्म है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और काफी अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत जॉली नेचर है और कभी ऐसा फील नहीं होता कि एक स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं और मुझसे ही नहीं बाकी सारे यूनिट से बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा सुपर स्टार एक फिल्म का स्टार जब इतना अच्छा डाउन टू होता है तो सारा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ रहता है सेट का। और ये जो खलनायक माधव राय जी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इनके बारे में मैं यही कहूंगी, इनको बहुत सारी गुड विशेस दूंगी मैं। सर का लुक और सर की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और मैं यही चाहूंगी सर और अच्छा अच्छा फिल्म करे और अच्छे सारे कॉन्सेप्ट लाए। जी थैंक यू। थैंक यू जी। सर आज जो इतना मुहूर्त हुआ है एक साथ पांच फिल्मों का, क्या कहना चाहें टीम में जो और लोग सपोर्टर में है उनका परिचय करवाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये पांच फिल्मों का जो जिम्मेदारी लोगों ने उठाया है अपने कंधों पर, ये छोटा काम नहीं है और हीरो जो है अपना बड़ा है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ सहारों की जरूरत है, जिसके लिए मेरे भाई गुड्डू यादव जी हैं, ध्रुव यादव जी हैं, रत्नेश तिवारी जी हैं और अमित कश्यप जी हैं, अन्नू जी हैं। ये पूरी टीम है जो इस पांचों फिल्मों की बागडोर को संभालेगी। ये लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों से उस फिल्म को हम लोगों को किस तरह से आगे लेके जाते हैं, ये इन पांच कंधों पे ये जिम्मेदारियां रहेंगी। और पहला जो कंधा है जो सबका भाग लेके चलेगा वो हमारे बगल में बैठे हैं संतराम सर, जो है ये पहली फिल्म की जिम्मेदारी सर को ही दी गई है कि आप उसको पहला शुरू करें जो हम अगस्त में शुरू करने जा रहे हैं और मे बी उसका नाम अच्छे दिन आएंगे, जिसकी कहानी वगैरह सब रेडी हो चुकी है, बस उस फिल्म को शुरू करना है और अगस्त में एक कोई डेट पे हम लोग ये फिल्म यूपी में शुरू करेंगे। किन किन के किन अच्छे आएंगे? बैनर के तो जरूर आएंगे बैनर का, और जब बैनर के दिन अच्छे आएंगे तो बाकी उससे जुड़े हुए सभी लोगों के दिन अच्छे आएंगे। डायरेक्टर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो अपना टाइटल अच्छे दिन आएंगे शायद हम लोग शूट भी करेगा और आप कभी भी शूट है आपके लिए टाइटल इतना हिट है कि वो तो वर्ल्ड फेमस चीज़ हो गया था और तो हमें पता नहीं जरूरत नहीं कैसे हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। गुड्डू जी आप क्या कहना चाहेंगे जो ये साथ एक साथ पांच फिल्मों का मुहूर्त? एक साथ पांच फिल्मों का हमने मेहनत किया हुआ है और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और इसमें हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और सारे पांचों फिल्मों का हम लोग शूटिंग पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे और महादेव ने चाहा तो हम लोग चारों फिल्मों का हिट फिल्म देंगे हम लोग पूरे एक साल में और सारी पारिवारिक फिल्में होंगी और आप परिवार में बैठ के देख सकते हैं। ऐसे हम लोग फिल्म बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उसमें आपका कॉमेडी रहेगा, सब कुछ रहेगा और पांचों फिल्म प्रमोद प्रेमी यादव ही हीरो रहेंगे। तो हम लोग अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है पांच फिल्में एक साल में आप कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा अपने दर्शकों को जो आपके चाहते हैं या फैन हैं? हम संदेश तो क्या देना है, हम यही चाहेंगे कि और जो हम लोग फिल्में बनाएंगे वो दर्शक खुद अपने आप देखेंगे और हम लोग जो बनाने पांच फिल्म बनाएंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सुपर हिट पांच फिल्म और कॉमेडी से हर चीज हम लोग देंगे और पांचों फिल्म में हम लोग हीरो प्रमोद प्रेमी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे हीरो हमारे हैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसे जो हमारे विवेक ड्रेस है छोटे भाई की तरह से लगातार बैनर के लिए काम कर रहा है, एक सेटिंग का बच्चा है वो लगातार हमारे बैनर के लिए काम कर रहा है, कुछ स्पॉट बॉय हैं, लाइट वाले हैं, कैमरामैन हैं, ये सारे लोग भी जो हमारे बैनर को आगे लेके जा रहे हैं और उनके प्रति डेडिकेटेड हैं, उन सबको भी हम आमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि पांचों फिल्मों में वो लोग कन्वे करेंगे।
गुरु जी आप कुछ कहेंगे? जैसा कि लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो यही कहूँगा कि अच्छे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं और ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एकदम सुपर डुपर हिट जाएगी, मेरा कुछ यही मानना होगा। ओके जी सर, आज जो इतना मुहूर्त हुआ है एक साथ पांच फिल्मों का, क्या कहना चाहें टीम में जो और लोग सपोर्टर में हैं, उनका परिचय करवाना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो जो ये पांच फिल्मों का जो जिम्मेदारी लोगों ने उठाया है अपने कंधों पर, ये छोटा काम नहीं है, और हीरो जो है अपना बड़ा है, तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ सहारों की जरूरत है, जिसके लिए मेरे भाई गुड्डू यादव जी हैं, ध्रुव यादव जी हैं, रत्नेश तिवारी जी हैं और अमित कश्यप जी हैं, अनु जी हैं, ये पूरी टीम है जो इस पांचों फिल्मों की बागडोर को संभालेगी। ये लोग जो है अपने जिम्मेदारियों से उस फिल्म को हम लोगों को किस तरह से आगे लेके जाते हैं, ये इन पांच कंधों पे ये जिम्मेदारियां रहेंगी। और पहला जो कंधा है जो सबका भाग लेके चलेगा वो हमारे बगल में बैठे हैं संत राम सर, जो है ये पहली फिल्म की जिम्मेदारी सर को ही दी गई है कि आप उसको पहला शुरू करें, जो हम अगस्त में शुरू करने जा रहे हैं, और मे भी उसका नाम अच्छे दिन आएंगे हो, इसकी कहानी वगैरह सब रेडी हो चुकी है, बस उस फिल्म को शुरू करना है और अगस्त में एक कोई डेट पे हम लोग ये फिल्म यूपी में शुरू करेंगे। किन किन के तीन अच्छे आएंगे? बैनर के तो जरूर आएंगे बैनर का, और जब बैनर के दिन अच्छे आएंगे तो बाकी उससे जुड़े हुए सभी लोगों के दिन अच्छे आएंगे। डायरेक्टर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो अपना टाइटल अच्छे दिन आएंगे शायद हम लोग महसूस भी करेगा और आपको भी महसूस है, आपके लिए टाइटल इतना हिट है कि वो तो वर्ल्ड फेमस चीज़ हो गया था, तो हम लोग पता नहीं जरूरत नहीं कैसे हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। गुड्डू जी आप क्या कहना चाहेंगे जो ये साथ एक साथ पांच फिल्मों का माहौल, एक साथ तो पांच फिल्मों का हम लोग मदद किया हुआ है और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा पहल किया हुआ है और इसमें हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और सारे पांचों फिल्मों का हम लोग शूटिंग पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे और महादेव ने चाहा तो हम लोग चारों फिल्मों का हिट फिल्म देंगे हम लोग पूरे एक साल में, और सारी पारिवारिक फिल्में होंगी और आप परिवार में बैठ के देख सकते हैं, ऐसे हम लोग फिल्म बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसमें आपका कॉमेडी रहेगा सब कुछ रहेगा और पांचों फिल्म प्रमुख प्रेमी यादव ही हीरो रहेंगे, तो हम लोग अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है पांच फिल्में एक साल में आप कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा अपने दर्शकों को जो आपके चाहते हैं या फैन हैं? हम संदेश तो क्या देना है, हम यही चाहेंगे कि और जो हम लोग फिल्में बनाएंगे वो दर्शक खुद अपने आप देखेंगे और हम लोग जो बनाने पांच फिल्म बनाएंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सुपर हिट पांच फिल्म और कॉमेडी से हर चीज हम लोग देंगे और पांचों फिल्म हम लोग हीरो प्रमुख प्रेमी है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे हीरो हमारे हैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसे जो हमारे विवेक ड्रेस छोटे भाई की तरह से लगातार बैनर के लिए काम कर रहा है, एक सेटिंग का बच्चा है वो लगातार हमारे बैनर के लिए काम कर रहा है, कुछ स्पॉट बॉय हैं, लाइट वाले हैं, कैमरामैन हैं, ये सारे लोग भी जो हमारे बैनर को आगे लेके जा रहे हैं और उनके प्रति डेडिकेटेड हैं, उन सबको भी हम आमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि पांचों फिल्मों में वो लोग कन्वे करें। गुरु जी आप कुछ कहेंगे? जैसा कि लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो यही कहूँगा कि अच्छे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं और ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एकदम सुपर डुपर हिट जाएगी, मेरा तो यही मानना होगा। ओके उधर उधर।